अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट तैयार होने वाली स्वीट डिश, जिसका नाम है मालपुआ, जो कि हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। आप इसको किसी भी खास मौके पर या किसी भी फेस्टिवल में आप इसको बनाकर खुद भी खा सकते हैं और अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। और ये बहुत ही जल्द बन जाता है, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार होता है। तो आज हम मालपुआ बनाएंगे आटे से, जो कि रेगुलर आटा हम यूज़ करते हैं गेहूँ का। तो यहाँ पे मैंने एक कप गेहूं का आटा ले लिया है इसी कप से, और इसी कप से मैंने नॉर्मल दूध ले लिया रूम टेम्परेचर पर, इसके लिए हमें गर्म दूध नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कप दूध ले लिया, बाकी की जरूरत होगी तो हम और ले लेंगे। और 1 टीस्पून यहाँ पे ले लिया है मैंने कुटी हुई सौंफ, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, और इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम खाली सौंफ पाउडर डाल रहे हैं, और इलायची पाउडर, इलायची का हम यूज़ करेंगे चाशनी में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने एक कप गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ हमें दूध नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि हटाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे, और इसके लिए हमें ना ठंडा दूध चाहिए ना गर्म दूध चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर चाहिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने पूरे एक कप दूध का इस्तेमाल कर लिया है, आप देख सकते हैं अभी बहुत ज्यादा ये थिक है। तो यहाँ पे मैंने एक कप दूध और ले लिया है, अब इसमें से जितना भी लगेगा हम उतना डाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम ऐड करेंगे इसमें, और इस घोल को हमें ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, यानी कि गाढ़ा बनाना है, बस मीडियम बेटर हमें इसका तैयार करना है। इस तरीके से इसको हम फेंटते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये गाढ़ा होगा तो हमारे जो मालपुए मोटे मोटे होंगे, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। देख सकते हैं आप अभी भी ये गाढ़ा है, तो थोड़ा सा हम दूध और ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा घोलकर तैयार हो गया है, और करीबन 1/4 कप के करीब इसमें दूध लगा है। तो यहाँ पे हमने जो सौंफ का मोटी मोटी सौंफ मैंने कूट कर रखी थी वो डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और ये आटे का मालपुआ है तो ये हेल्दी भी बहुत है। जब भी आपका दिल करे आप इसको बनाकर खा सकते हैं, या किसी भी पार्टी या किसी भी फेस्टिवल में बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा घोल तैयार हो चुका है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जब तक हमारा घोल सेट हो रहा है तब तक के लिए हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा घोल तैयार हो रहा है तब तक के लिए हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी ली है, इसको डाल देंगे, और इसी से हम 1 कप यानी कि 2 कप लेंगे, यानी कि 1 कप हम पानी डाल देंगे। ये हमने 1 कप पानी डाल दिया पूरा, और 1/2 कप मैंने चीनी ली है, तो इसको हम चीनी घुलने तक पकाएंगे। और इसकी चाशनी हमें कोई एक तार की नहीं बनानी है, बस दोनों उंगलियों के बीच में चिपकनी चाहिए, बस हमें इतनी बनानी है। तो मीडियम आंच पे मैंने चीनी को सबसे पहले घुलने तक पका लेना है। देखिए चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है, चाशनी हमारी यहाँ पर पक रही है, तो इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। और या तो फिर दोनों उंगलियों के बीच में जब अच्छी तरीके से ये चिपकने लगे, हमें इसका तार नहीं बनाना, सिर्फ दोनों उंगलियों के बीच में चिपकनी चाहिए, तब तक के लिए हम इसको पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ जाफरान के धागे यानी कि केसर के, इससे इसका फ्लेवर और कलर दोनों बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ी सी हम जाफरान डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने 3, 4 से 5 हरी इलायची ली है, छोटी इलायची, इसको मैंने क्रश कर लिया है, तो हम छिलकों के साथ डाल रहे हैं, आप चाहें तो खाली दाने भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, अब देख सकते हैं चाशनी हमारी तैयार हो गई, और उसके जाफरान जो सेफ्रॉन हमने डाला था इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर जो चाशनी हमने तैयार करी वो दोनों उंगलियों के बीच में चिपकना शुरू हो गई है, क्योंकि हमें इसका एक तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपकनी चाहिए। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो इसको हम एक साइड पे रख देंगे।
घोल भी हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा ये थिक है ना बहुत ज्यादा थिन है, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। आप देख सकते हैं कि ये गिरते ही एकदम बराबर हो जा रहा है, मिल जा रहा है आपस में। इधर मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, डालडा घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डालडा घी लिया है। तो यहाँ पे हमने डालडा घी को मीडियम और हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो ये चम्मच लिया है, जैसे आप छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि तेल में जाते ही अपने आप ये फैलना शुरू हो जाएगा। मालपुए में हमारे अच्छा सा कलर आ गया, आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर का हो चुका है। तो इस तरीके से हम उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए मैं इसे रोक लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम और भी मालपुए अपने फ्राई कर लेंगे। तो एक चम्मच भरकर हम बैटर ले लेंगे। इसको भी जब तैर कर ऊपर आ जाएगा तब उसके हम साइड चेंज करेंगे। मालपुआ हमारा फ्राई हो रहा है। इसके हम साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा दूसरा मालपुआ भी फ्राई होके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको रोक लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो घी है वो बाहर कढ़ाई में निकल जाए। देखिए कितना अच्छा कलर है हमारे मालपुए का। कुछ हम बड़े बनाएंगे, कुछ छोटे बनाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, आप जैसे पसंद करते हैं। दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे इसको। देखिए हमारी चाशनी हल्की गुनगुनी है, एकदम ठंडी चाशनी में हमें इनको नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमारे जो मालपुए हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, अब इसको हम चाशनी में डिप करेंगे और इनको हमें डालकर नहीं छोड़ना है, बस दोनों तरफ से हम उलट पलट कर अच्छे से चाशनी में डिप करके इनको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। और दूसरी तरफ हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट मालपुए बनकर तैयार होते हैं, खाने में बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगते हैं। देखिए हमने सभी मालपुओं को चाशनी में डिप करके बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितने मजेदार से हमारे मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं ये, और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं क्योंकि ये आटे से बने हैं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते के कतरन से ये गार्निश भी कर सकते हैं इस तरीके से, या अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इस पर डाल सकते हैं। तो इस दीपावली या भैया दूज पे आप इस मालपुए को जरूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज इस मालपुए की रेसिपी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।